दोस्तों स्वागत करता हूं मैं अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल में। मैं विपिन पोखरियाल और अपने गांव पोखरी आ रखा हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं इस समय धूप खिली हुई है और पहाड़ों में जो धूप होती है बहुत ही मखमली धूप होती है। इस समय ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा, मतलब नॉर्मल है। और क्या कहते हैं दिन में थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो मैं तो टी शर्ट में उस समय, और बाकी लोग भी ऐसे ज़्यादा कोई स्वेटर पहने हुए नहीं है। ये देखो गाँव में कितना सुंदर नज़ारा है इस समय, बहुत ही खूबसूरत। दोस्तों अभी मुझे ऊपर मंदिर में जाना है, सड़क से ऊपर है, तो मैं वहाँ पे अभी आपको लेके चलूँगा। वहाँ पे चाय पहुँचानी क्योंकि वहाँ पे पूजा पाठ चल रहा है। हाँ परेश भाई नमस्कार। समिता ये ऊपर हवन के लिए, वही ना? अच्छा ये तो यहाँ के लिए हो गया ना, ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है, हाँ ये समिता हो गया। हवन के लिए जो लकड़ी यूज करती जाती है इसे कहते हैं समिता। हाँ ये देखिए ये अंदर ले जा रहे हैं, यहाँ जग पूजा पाठ हुए ब्यास। देखो गवा लोग नमस्कार बोलो, जय उत्तराखंड। अरे विदेश से हूं। चलो ठीक है, ये जी ये स्वदेशी है ना आप, तो बोला जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय बद्री, जय केदारनाथ। ये चाय है, इसमें थर्मस बोतल है ना चाय, और ये कप छी, ये पहुँचाने मुझे ऊपर है ना। चलो भाई ऊपर चाय पहुँचाने। देखो कल जहाँ पे खाना बना था आज भी यहीं पे खाना बनेगा, डेढ़ साल पहले ही तैयार थी। ये देखो यहाँ पे, और यहाँ पे कल खाना पीना हुआ था। ये एक बट निकल जाऊँगी, ये उच्च रास्ता तौल जानो को, और यू भाई जानो को बूढ़े आगे बूढ़ी नमस्कार। थोड़ 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 फोड़ खाते हैं। हाँ सर नमस्कार। दगड़ियों चलो मैं जा रहा हूँ ऊपर, रास्ते बड़े टेढ़े मेढ़े हैं, बहुत चढ़ाई है यहाँ पे, माँ कसम है सांस फूल जाती है। यहाँ पे हिसोले लगे हुए थे, अभी भी होंगे यहाँ झाड़ी में पीछे है ना, बाद में देखूँगा। चलो आगे मैं सड़क पे, अब दिखाता मैं आपको गांव की सड़क। ये देखो ये सड़क है पीछे दोस्तों, ये जो सड़क दिखाई दे रही है जिस सड़क में मैं आया था उसके भी ऊपर वाली सड़क है, और ये अब मैं और यहाँ पे से चढ़ाई कर रहा हूँ है ना। अब ये मुझे मालूम नहीं किधर से किधर को जाना है। हाँ यहाँ पे रास्ता बना हुआ तो है दोस्तों, रास्ता शायद मुझे मिल गया है, यही वाला रास्ता है। अब देखते हैं है ना, बहुत नीचे तीखी ढलान है, एक पैर फिसला और सीधा तौल। दोस्तों रास्ते का कुछ पता नहीं चल रहा किधर जाना है कहाँ नहीं जाना, लेकिन मुझे लग रहा है कि रास्ता शायद अब यही होगा। एक और रास्ता मिल गया, और ये थोड़ा चौड़ा चौड़ा है, तो यहाँ पे से फिर एक इधर को भी रास्ता कट रहा है। बहुत बहुत उबेंगे मैं, इधर पीछे पेड़ दिखना होगा बांझा का चीड़ा का। दोस्तों बहुत उबे है गई, और बहुत खैरे है गमी थी है ना। अब मंदिर जो जो और उबे जाने लगा भी कति तौल बैठे होने जुमी बहुत गहरे, और अभी और चढ़े भाग चा उबे तौल बैठ में जब उबे आने छो, तो उबर म्यार गिलास भर के गया, मैं तो पता ही नहीं चल। फिर बाद में देख मिल, बाद में चेता मिल गिलास तो छाई नहीं छी, तो हज तौल गौमी, और तब गिलास पकड़ी लियो मैं सड़के सड़की तौल गिरा छा। अब ज़्यादा देर नहीं करनी, ऊपर चलता हूँ मैं फटाफट है ना। दोस्तों मैं काफ़ी ऊपर आ गया हूँ, यहाँ पे से आपके क्वाटा भंडेली सारे गांव दिखने लगे हैं, ऊपर हंसीड़ी गांव भी दिख रहे हैं। दोस्तों मुझे ऊपर मंदिर दिखाई देने लगा है, और यहाँ पे से हंसीड़ी महादेव का मंदिर भी साफ नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा। तो मैं अभी ऊपर जाके बताता हूँ आपको, बहुत कठिन रास्ता होता है गांव में। ये देखो नीचे घर भी दिखाई देने लगे हैं है ना, और ये क्या कहते हैं, वैसे बोलने का तो बहुत अच्छा लगता है, मेरा डांडी कांठियों का मुल्क जाई बसंत ऋतु में जाई, पर आदमी भी टक टकू हूं चैंद यक, मतलब चलण को हेटण को फटाफट नहीं, फिर वो दिख गया मंदिर, वो शायद वही मंदिर है ना। आवाज़ आ गई उन लोगों की, चलो जय लाटू महाराज।
ये देखो यहाँ पे रास्ता अच्छा है तो इसलिए यहाँ पे फिल्म आ रहा हूँ। वहाँ पे तो बहुत खतरनाक रास्ता था इसलिए मैंने पूरा नहीं बनाया था। यहाँ पे देखो कैसी जगह पे इन्होंने घर बना रखा है। ये सुनसान जगह थी यहाँ पे पहले, अब तो थोड़ा पेड़ पौड़ कम कर दिए लोगों ने, काट दिए। ये देखो चाचा जी हैं। देखो इधर से भी रास्ता होगा नीचे जाने का, देखो कितना तगड़ा भेल है। अरे यहाँ से भी इधर की साइड भी, और बीच में मैं आ गया पहाड़ी के टॉप पे, है ना। लगभग लगभग हम टॉप पे ही हैं। जय लाटू देवता। ये लिया चाय में, ये देखो ये कुलैणी के ब्राह्मण जी हैं, कुलैणी गांव के, और ये वीरेंद्र भैया हमारे सबसे बड़े भाई है ना, और ये हमारे चाचा जी। देर सांस पूरा। दोस्तों अभी तो मैंने चाय दे दिया चाचा जी को और भैया को, और पंडित जी भी आए साथ में, कुलैणी के बावण जी। तो यहाँ पे अभी मैं थोड़ी देर हूँ, उसके बाद मैं नीचे जाऊँगा फिर से। अरे एक वो, अरे राकेश दसमन, हाँ वो गाने गाते हैं राकेश दसमन, वो हाँ बैरागी और बिछियो दगड़ी, हाँ हाँ समीर भी, समीर गान गांदू अभी चलो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ हंसेश्वर महादेव जो नीचे हंसियुड़ी है, पहले तो उसकी स्कूल बता देता हूँ। हंसियुड़ी गांव की सामने पे आपको सेंटर में देवदार का पेड़ दिखाई दे रहा होगा अकेला, ठीक सेंटर में, और वहीं पे स्कूल है उसी के पास में, हालांकि बिल्कुल क्लियर तो नज़र नहीं आएगा। वहीं पे मंदिर भी है दोस्तों, अभी आप इसे दिखाता हूँ मैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा। ये देखो ये पूरा नीचे, ये जो सड़क है ये मजूर के लिए, फिर आगे पफरियाणा के लिए चले गए। ऊपर हंसेश्वर महादेव हो गया जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का, और ये ऊपर पहाड़ी का टॉप, लगभग हम टॉप पे ही हैं। और ये फिर ये पीछे का नज़ारा पहाड़ी के पीछे, और फिर ये सामने पे आपका वही लाटू देवता मंदिर जो हमारे देवता हैं। दोस्तों जितने ऊपर जाओगे पहाड़ों में बहुत अच्छी हवा चलती है, फर 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 फर, बहुत तेज़ हवा। अब मैं हूँ यहाँ पे धारधार में, है ना, पहाड़ी की तीखी ढलान है यहाँ पे दोनों तरफ। ये पीछे आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, पीछे ब्राह्मण जी हमारे, कुलैणी के ब्राह्मण जी, और मेरे सबसे बड़े भाई है ना हमारे परिवार में, पोखरियाल परिवार में, और चाचा जी भी हैं साथ में। भैया निकलूं मैं भी नीचे जा रहा हूँ, है ना, ठीक। और कुछ लाना तो नहीं है, किसी को भेज दो, ठीक ठीक। दोस्तों अभी निकल रहा हूँ मैं सीधे घर के लिए, हो गया यहाँ पे जितना आराम करना था। पिरुल हो रखा है, मतलब यहाँ पे चीड़ की जो पत्तियाँ हैं पिरुल कहते हैं उनको, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो ये पूरा का पूरा, ये सारा मैं थोड़ा बहुत हटाया है मैंने कुछ रास्ते तक, आगे भी काफ़ी, और ये सीधे ढलान है यहाँ पे। ये देखो तीखी ढलान, यहाँ पे मुझे संभल के जाना है, और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे पिरुल कम है, मतलब यहाँ पे घास कम है, उसकी चिड़की पत्तियाँ, और यहाँ पे
देखते हैं कहीं पे ज़्यादा साफ कर देते हैं। रास्ता ठीक है ये खतरनाक यहाँ पे से थोड़ा वैसे ठीक है, जैसे भी है रास्ता ठीक है। यहाँ पे नीचे है खतरनाक ज़्यादा, वहाँ पे पता ही नहीं चल रहा था रास्ता कहाँ पे है। ये देखो फिसलन बहुत है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों यहाँ तक तो पहुँच गया मैं, नीचे अभी और जाना है मुझे नीचे। वो देखो नीचे सड़क दिखाई दे रही होगी आपको, अब नहीं दिखाई दे रही है तो मैं मेरी कोई गलती नहीं है, है ना। ऊपर पहाड़ की ढह से मैं नीचे तो आ गया हूँ, और ये क्या कहते हैं अभी रास्ता नीचे बड़ा ख़तरनाक था कहीं कहीं पे। उस समय रास्ता मुझे मालूम नहीं था, अब पता चल गया मुझे कहाँ से कहाँ जाना है। ये देखो कैसा रास्ता है, अब ये तो मुझे पता चल गया श्यां से श्यां जाना है मैंने, है ना। ये यहाँ पे पिरुल बहुत ज़्यादा है, घास और डोंगा पीछे बड़ा बड़ा। देखिए यहाँ पे मैं अभी फिसल गया था, ये घास को साफ कर देते हैं ऐसे करके, है ना, ऐसे 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 करके पूरा साफ कर दे इसे, जहाँ पे लोग फिसल सकते हैं। ये थोड़ा चढ़ाई ज़्यादा है ना यहाँ पे। दोस्तों आगे मैं तो सड़क के किनारे, है ना, सड़क तक पहुँच गया, काफ़ी ऊपर जा रखा था मैं। ये देखो कितना ऊपर है, और अब मुझे जाना है सीधे नीचे। एक और सड़क है, अब ये नीचे वाली सड़क भी है वो पास में, और वहीं पे से फिर थोड़ा सा और नीचे जाके हमारा गांव। आगे मैं नीचे वाले रास्ते में भी अब यहीं पे से थोड़ा सा नीचे। ये देखिए बहुत सारी कारें खड़ी हो रही, पता नहीं किस किस में अच्छे। एक तो देवू भाई हैं, मेरा छोटा भाई है, चाचा जी का लड़का, उसकी भी कार खड़ी है। ये देखा